नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने मानकीकरण से संबंधित कुछ रुचिकर और महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। होता क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समय में, और उन्होंने यह अच्छी तरह से महसूस किया था और बताया था कि भाषा जो है चलते चलते वर्तमान समय में जिस स्थिति में आ जाती है, जिस रूप को प्राप्त कर लेती है, कवि भाषा के उस वर्तमान रूप का प्रयोग नहीं करके उसके बहुत पहले जो भाषा का रूप प्रचलित था उसी रूप का प्रयोग करते हैं। और आज भी जब मैं मानकीकरण के संबंध में बात कर रहा हूँ तो यही स्थिति देखने को मिल रही है। यह विषय बड़ा ही सुरुचिपूर्ण है और महत्वपूर्ण भी है, इसलिए इसको मनोयोग पूर्वक देखने और समझने की चेष्टा करेंगे। अभी पुस्तक आई हुई है, बिल्कुल ही अद्यतन है, लेटेस्ट है, और उस पुस्तक में 6 इस रूप में आया। ये केवल मैं विद्यार्थियों के लिए नहीं बता रहा हूं, लेखकों के लिए भी बता रहा हूं। और अभी अखबार में जो व्याकरणविद, व्याकरण विशारद हिंदी का ज्ञान दे रहे हैं साप्ताहिक अंक में, तो उसमें भाषा के किसी शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार उस शब्द के प्रयोग की बात कह रहे हैं। देखिए, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द शुद्ध हो सकते हैं, लेकिन मानकीकरण से शब्द की शुद्धि से उतना लेना देना नहीं रहता है। जनता की, समाज की, लोक की मान्यता से लेना देना रहता है। मानकीकरण का संबंध शिक्षित जन समुदाय की मान्यता से है कि वह जो है किस रूप में किसी शब्द का प्रयोग कर रहा है। यह भी है, शुद्धिकरण भी है, लेकिन वह
सर्वत्र अनिवार्य नहीं। तो यह अशुद्ध प्रयोग है। छह संख्या में यह शुद्ध प्रयोग। आप घृणा सूचक शब्द का प्रयोग करें तो छह कहेंगे, या छी छी हिंदी में, संस्कृत में छी, हिंदी में भी इसका प्रयोग कर सकते। तो यह बताया, मैंने नाम नहीं बताऊंगा, अच्छे अच्छे विद्वानों को संबोधन में मित्रों बोलते सुना है। YouTube पर उपलब्ध है, आप देखेंगे। भाइयों, अध्यापकों, दोस्तों, छात्रों, छात्राओं, संबोधन में यह कहते हुए सुना है। और प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक समाचार पत्र में भी बस ऐसी ही शब्दावली का प्रयोग आप धड़ल्ले से देखते हैं, देखते होंगे। और नहीं तो अभी जब मैंने ध्यान आकर्षित कर दिया है, ध्यान आकृष्ट कर दिया है, तो उसको आप देखेंगे। इसमें कहीं भी अनुस्वार का प्रयोग शुद्ध नहीं है। ये दोस्तों संबोधन में, अध्यापकों, भाइयों, मित्रों, छात्रों, छात्राओं, बहनों, बहनों नहीं, यह अशुद्ध, बहनों, देवियों, अशुद्ध, देवियों, शुद्ध, सज्जनों, अशुद्ध, संबोधन में, अन्य जगह नहीं ले लेंगे, सज्जनों, शुद्ध। आपने सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन को देवियों और सज्जनों उच्चारण करते हुए सुना होगा। देवियों और सज्जनों वह उच्चारण नहीं करते, देवियों सज्जनों। तो यह है, यही शुद्ध है। और जो हम अनुस्वार डाल देते हैं संबोधन में, और जैसा कि मैंने बताया, मैंने विद्वानों को सुना है और आपको रेफरेंस भी दिया है कि YouTube पर जाकर के देखिए,
क्या उच्चारण करते हैं वे। और यह भी बताया है कि प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक समाचार पत्र में ये अनुस्वार युक्त संबोधन जो मुद्रित रहते हैं देखने पढ़ने में आते हैं, तो ये अशुद्ध प्रयोग ये बताया। संबोधन में अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। मानकीकरण बड़ा ही व्यापक और विशद अवधारणा है। आजकल मैं देखता हूँ कुछ लोग संबोधन शुरू करते हैं अंग्रेजी से और मुश्किल से एक पैराग्राफ तक भी नहीं जा पाते हैं और उसके बाद हिंदी पर उतर आते, तो यह स्टैंडर्ड नहीं है, यह नॉन स्टैंडर्ड है, यह बिल्कुल साफ तौर पर भाषा का अमानकीकृत प्रयोग है, मानकीकृत प्रयोग नहीं है। आपको हिंदी में बोलना है तो ऊपर से ये अंग्रेजी क्यों, इस पर विचार करना चाहिए। आप अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं तो बिल्कुल अंग्रेजी में धड़ल्ले से शुरू से आखिर तक बोलें, और ऐसे ऐसे विद्वान मैंने देखे हैं जहाँ एक भी अंग्रेजी जानने वाला नहीं हो वहाँ भी अंग्रेजी में ही प्रवचन देते, तो उनका तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। आप हिंदी में बोलना चाहते हैं तो बिल्कुल हिंदी में ही बोले, कहीं अनिवार्य रूप से एक आध वाक्य बोलने की जरूरत आ जाए पड़ जाए तो बोलें। कुछ लोगों की अपनी शैली भी होती है, और कई एक फिल्म में भी मैंने देखा है कि सेम मीनिंग का डायलॉग जो है वो हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, तो यह देखा है यह शैली के अंतर्गत है। कभी कभी अच्छा भी लगता है और कभी कभी अभद्र भी लगता है कि एक ही बात को हिंदी में अंग्रेजी में दोहराया जा रहा है, तो यह अमानकीकृत प्रयोग है, यह मानकीकृत प्रयोग नहीं है, यह ध्यान में रखना है। आप उर्दू में बोलना चाहें तो उर्दू में बोलें, कहीं कोई समस्या नहीं। उर्दू जबान जो है वह समझ में आती है, हाँ लिखने पर वह नहीं समझ में आए, सबकी समझ में नहीं आए, लेकिन बोलने में और बोलने पर सुनने वाले उर्दू भारत के लोग तो समझते ही समझते हैं, और उत्तरी भारत के लोग तो बिल्कुल उर्दू समझते हैं। हाँ जैसे हिंदी में ही क्लिष्ट शब्द
कठिन अर्थ वाले शब्द, कठिन उच्चारण वाले शब्द, कठिन हिज्जे वाले शब्द, कठिन वर्तनी वाले शब्द आ जाते हैं कहीं कहीं, तो नहीं समझ पाते हैं। तो उसी तरह से उर्दू भी है। अरबी के और फारसी के शब्द जो हैं जो कठिन हैं और कभी भी पढ़ने और सुनने में देखने में नहीं आए हैं, तो उनका अर्थ कठिन सबके लिए होता है। उर्दू जानने वाला वो मिर्जा के शेर का अर्थ समझ ही जाएगा, हिंदी जानने वाला कबीर की साखी का अर्थ समझ ही जाएगा, सूरदास के पद का अर्थ समझ ही जाएगा, अंग्रेजी जानने वाला विलियम वर्सवर्थ को समझ ही जाएगा, शेक्सपियर को समझ ही जाएगा। यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि साहित्य की भाषा विशिष्ट भाषा हो तो उसमें विशिष्टता प्राप्त करने पर ही कोई व्यक्ति उस साहित्य की भाषा को, उस लेखक के साहित्य की भाषा को, उस कवि के साहित्य की काव्य की भाषा को समझ सकता है, अन्यथा नहीं समझ सकता है। यह हमने देखा है। और यह देखेंगे कि मानकीकरण जो होता है, मानकीकरण और शुद्धिकरण, तो मानकीकरण का, भाषा के मानकीकरण का और भाषा के शुद्धिकरण का संबंध जो है यह समाज भाषा विज्ञान से, और मानकीकरण, भाषा के मानकीकरण का संबंध जो है समाज भाषा विज्ञान से है, और शुद्धिकरण, भाषा के शुद्धिकरण का संबंध जो है वह आदेशात्मक भाषा विज्ञान से। प्रिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स से इसका संबंध, प्रिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स से शुद्धिकरण का संबंध है, भाषा के शुद्धिकरण का संबंध जो है आदेशात्मक भाषा विज्ञान या प्रिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स से है, और इसका सोशल लिंग्विस्टिक्स से संबंध। समाज भाषा विज्ञान से संबंध, समाज तय करता है कि यह मानक प्रयोग है या मानक प्रयोग नहीं है। आदेशात्मक भाषा विज्ञान या प्रिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स को स्टैटिक लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं, या इसको अस्थैतिक भाषा विज्ञान भी कहते हैं। आप इन सभी शब्दों को कठिन मान रहे हैं तो सीधे सरल भाषा में ग्रामर कहते हैं, और हिंदी में व्याकरण कहते हैं। तो ग्रामर जो है
ए से ही लिखा जाता है और किसी किसी पुस्तक में ई से लिखा जाता है। ठीक है, एक तर्क यह सामने में आया है कि ब्रिटिश इंग्लिश में ग्रामर जो है ए से लिखा जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में ग्रामर जो है ई से लिखा जाता है। यह है, अब मैं एक मज़ेदार उदाहरण बता रहा हूँ। कलम का सिपाही शीर्षक पुस्तक जो है अमृत राय ने लिखी है और वह हिंदी में लिखी गई पुस्तक, और अब देखिए कलम शब्द का प्रयोग जो उन्होंने किया है उस पुस्तक में, पुंगलिंग में किया है, क्योंकि कलम अरबी का शब्द है और अरबी में कलम पुंगलिंग है और यह जो है काफ से नहीं लिखा जाकर काफ से लिखा जाएगा, काफ लाम और मीम कलम यह लिखा जाएगा, वहां पुंगलिंग है। हिंदी में लेखनी के प्रभाव के कारण कलम स्त्रीलिंग स्त्रीवाची के रूप में व्यवहित हो रही है। मैं मजेदार उदाहरण बता रहा हूँ। तो अमृत राय अरबी तो लिख नहीं रहे हैं, हिंदी लिख रहे हैं, तो उन्हें कलम का प्रयोग हिंदी के अनुसार करना चाहिए। एक और मानकीकरण का उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि संस्कृत में विस्तार के साथ के लिए सविस्तर शब्द चलता है। और भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी की अपनी भाषा विज्ञान संबंधी पुस्तक में इस शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन हिंदी में जो मानकीकरण की बात हो रही है सविस्तर नहीं चलता है, सविस्तार ही चलता है, यही मानक है। विस्तार के साथ और यह बात आज की नहीं है, किशोरीदास वाजपेयी 100 वर्ष पहले इस बात को बता गए। लेकिन आज भी यह शब्द देखने में आता है। अब देखिए वह झूठ झूठ बोलता है, और वह झूठ बोलता है, हिंदी भाषा भाषी इस वाक्य को शुद्ध कहेगा और इस वाक्य को अशुद्ध कहेगा। वास्तव में जैसे भाषा के अंतर्गत देखेंगे तो उर्दू के प्रभाव में जो लोग रहते हैं वह इसका प्रयोग करते हैं, वह झूठ बोलता है। लेकिन हिंदी भाषा भाषी जो हैं वह झूठ बोलता है,
एक गीत में भी है, तू झूठ बोलता है तू झूठ बोलता है। तो वो गीत लिखने वाले उर्दू के प्रभाव में, और सुनने वालों को कुछ आश्चर्यचकित करने के लिए भी ये कुछ नवीन प्रयोग लगने के लिए। लेकिन हकीकत यही है, उर्दू में यह शुद्ध वाक्य है, हिंदी में यह शुद्ध वाक्य है। जैसे उर्दू में यह शुद्ध वाक्य नहीं माना जाएगा, उसी तरह से हिंदी में भी यह शुद्ध वाक्य नहीं माना जाएगा। तो यह मैं बता रहा हूँ, होता क्या है, यहाँ तो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, लेकिन बड़े बड़े लोगों की मानसिकता तो सामंती ही है। तो जनता को, जन को, लोक को घसीट मारते हैं, उसी तरह से विद्वान भी घसीट मारते हैं। असर तो विद्यार्थियों पर होगा ना, वो तो जनता है। राजतंत्र में प्रजा जो है का अर्थ जो है वह शासित होगा, लेकिन लोकतंत्र में जनता का अर्थ तो स्वामी होगा। तो इस मानसिकता से भी हिंदी को, उसके व्याकरण को, उसके भाषा विज्ञान को देखने की आवश्यकता है। यह मैं बता रहा हूं। तो ये ग्रामर जो है, आप ब्रिटिश इंग्लिश लिख रहे हैं तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है ऐसे ही लिखिए, लेकिन एक पुस्तक में मैंने देखा है कहीं ऐसे लिखा हुआ, कहीं ऐसे लिखा हो। आप अगर अमेरिकन इंग्लिश के ही प्रभाव में ग्रामर को ऐसे लिख रहे हैं तो हर जगह ग्रामर ऐसे ही लिखेंगे, या फिर ब्रिटिश इंग्लिश के प्रभाव में ग्रामर को ऐसे लिख रहे हैं तो हर जगह ऐसे ही लिखेंगे। यह क्या होगा कि कहीं ऐसे लिखेंगे और कहीं ऐसे लिखेंगे, तो यह स्टैंडर्ड प्रयोग नहीं है, यह नॉन स्टैंडर्ड प्रयोग है। इसको समझने की आवश्यकता है। आइए आज जो है यह बताया कि मानकीकरण का संबंध सोशल लिंग्विस्टिक्स से है, और शुद्धिकरण का संबंध जो है वह प्रिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स से है, स्टैटिक लिंग्विस्टिक्स से है, आदेशात्मक भाषा विज्ञान से है, या ग्रामर से है, या व्याकरण से है। और मानकीकरण किसका किसका होता है? मानकीकरण वर्ष प्रणाली का होता है। जैसे किसी पुस्तक में आप विक्रमी संवत से लिख रहे हैं तो प्रारंभ से अंत तक विक्रमी संवत में ही लिखते चलें, यह स्टैंडर्ड है। या फिर यदि आप सन ईस्वी में वर्ष को लिख रहे हैं तो शुरू से आखिर तक सन ईस्वी में ही लिखते चलें। यह क्या बात हुई, कभी विक्रमी संवत डाल देते हैं, कभी सन ईस्वी डाल देते हैं। और प्रचलन का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं नहीं समझता कि हिंदी के साधारण सामान्य छात्र जो हैं
एवरेज स्टूडेंट्स जो हैं वो विक्रमी संवत को समझते हैं और उसको सन ईस्वी में कन्वर्ट करना भी जानते हैं, या सन ईस्वी समझते हैं उसको, ये तो समझते ही हैं, लेकिन उसको विक्रमी संवत में बदलना नहीं जानते। तो ऐसी स्थिति में यह विक्रमी संवत तो बोध की दृष्टि से भार स्वरूप लगेगा। तो इस तरह से लिखें, मैं यह नहीं कह रहा कि विक्रमी संवत में नहीं लिखें या सन ईस्वी में नहीं लिखें, लेकिन सब जगह इसी का प्रयोग करें, यह स्टैंडर्ड है, या सब जगह सन ईस्वी का प्रयोग करें, यही स्टैंडर्ड। लेकिन दोनों का प्रयोग आप एक ही पुस्तक में कहीं इसका कर देते हैं, 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 तो यह नॉन स्टैंडर्ड। यह तो वर्ष प्रणाली का भी मानकीकरण होता, और बताया अच्छी अच्छी पुस्तकों में, बड़े बड़े लेखकों की पुस्तकों में ये लिपि वर्ष प्रणाली का जो है ये होता है, और लिपि का भी मानकीकरण होता है। इसमें यही है कि एक लिपि में लिख रहे हैं तो उसी लिपि में लिखें, जैसे आप देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं और अंग्रेजी के किसी शब्द का उसमें प्रयोग करना है, जैसे कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म शब्द का प्रयोग करना है, तो आप देवनागरी लिपि में प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का प्रयोग करें, किताब का नाम है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दें, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इस तरह से लिखें, देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं तो। और ऐसे ये कोई अक्षम्य अपराध नहीं है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आप लिखते हैं तो यह अक्षम्य अपराध नहीं, दंडनीय अपराध नहीं है, क्षम्य अपराध है। तो ये लेकिन बताया कि स्टैंडर्ड क्या है, कि देवनागरी लिपि का प्रयोग कर रहे हैं तो इसी में लिखें, तो ये भी। उसके बाद जो भाषा के अवयव हैं, अंग हैं, वर्ण है या अक्षर है, इसका भी देखें कि प्रचलन में जो हैं, जैसे कि आरंभ हो सकता है, बहुत विद्यार्थी अ के इस रूप को नहीं समझ पाया, क्योंकि पंडित कामता प्रसाद गुरु के व्याकरण में वर्ण विचार जो है अध्याय है उसमें उन्होंने शुरू में ही यह दे दिया है, लेकिन जो अभी उसका नवीन संस्करण आया है उस पुस्तक का, उसमें घालमेल कर दिया गया। जानना तो पड़ेगा, पुरानी पुस्तक आप पढ़ेंगे तो उसमें आरंभ इसी रूप में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आज जो है अ का आरंभ, तो इस तरह से समझना पड़ेगा। ल भी दो प्रकार से लिखा जाता है, आप देखिए, एक ल यह है, दूसरा ल यह। तो एक किताब में एक ही तरह से यह ल लिखें, यह नहीं कि कभी यह लिखें कभी यह लिखें, है ना, तो ये इस तरह से नहीं लिखें। जैसे ध है, यह भी ध है और यह भी ध है, लेकिन अब इस ध का प्रयोग होता है, इस ध का प्रयोग नहीं होता है। तो वर्ण भी स्टैंडर्ड लिखें, अभी जो प्रचलित वर्ण हैं
वे ही लिखें 100 वर्ष पहले जो वर्ण प्रचलित थे। जैसे कण्व, तो अब देखिए कण्व कौन समझेगा इसको, कण्व है लेकिन अगर कण्व ऐसे लिखें तो सभी समझ जाएंगे, क्योंकि पहले जो है पहले की हिंदी में यह मूर्धन्य ण, अब मूर्धन्य ण इस तरह से है, तो आधा मूर्धन्य ण लिखने के लिए, मूर्धन्य ण हलंत लिखने के लिए केवल इसको हटाने की जरूरत, और यह जो मूर्धन्य ण है तो इसको हलंत में लिखने के लिए सिर्फ इसको हटाने की जरूरत। तो कण्व जो लिखा गया यहाँ इसके अनुसार लिखा गया, और यहाँ जो कण्व लिखा गया तो इसके अनुसार लिखा गया, लेकिन आज का विद्यार्थी इसको कराव पढ़ेगा, कण्व नहीं पढ़ेगा। तो यह है वर्ण या अक्षर का भी मानकीकरण होता है, उसका वर्ण अक्षर के बाद शब्द होता है, इसका भी मानकीकरण होता है, उसके बाद रूप या पद है इसका भी मानकीकरण होता है, और इसके बाद जो है वाक्य है, तो वाक्य का भी मानकीकरण होता है। आज हमने सूत्र रूप में कुछ बातें जानी हैं मानकीकरण के संबंध में, आप इन बातों पर गौर करेंगे तो आपका लेखन जो है वह मानक होता चला जाएगा। फिर इन बिंदुओं पर अगले वर्ग में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।